अब जब ना ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ जाना ऊपर वाला भारी निकलेगा, हमें क्या करना है गिरता पट मारना है और ऐसे उसकी पतंग काट देनी है। यहाँ पे पतंग आ गई, पतंग आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, पतंग आ चुकी है यहाँ पे, पड़ गया, अब तो पड़ गया, देखो ये आ गई है पतंग, ये आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल कार्डलर ऑफिशियल। भाई आज थोड़ा दिन का टाइम है, हम दिन में ही चढ़ गए पतंग उड़ाने क्योंकि हवा अच्छी थी तो हमने सोचा उड़ाते हैं। मेरी तरफ भी पतंगबाजी हो रही थी तो अभी एक टाइम यार बहुत धूप हो रही है, पता कितना बजे था, अभी 4 बज रहा है शाम का, 4 बजे गर्मी में आपको पता ही कितनी धूप होती है, लेकिन हवा देखो यार आप, पतंग पार होके नहीं जा रही है, थोड़े झोंके मार रही है लेकिन हवा काफ़ी शानदार है यार। ये देखो अब देखना आप कैसे जाएगी एकदम लहराती हुई, एक सेकेंड में पहुँच जाएगी पेज में, देखो हवा काफ़ी बढ़िया है। तो पतंग हमारी जा रही है पार होके, हमारे सर के ऊपर एक पतंग उड़ रही है येलो कलर की, चलो उसी सबसे पहले पेड़ उड़ाएंगे। पहला पेड़ देखो आपके सामने ये रहा, नीचे से जो पतंग दिख रही होगी रेड सर्कल के अंदर मेरी रही, आपको सद्दी भी क्लियर चमक रही होगी। ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है, उसकी पतंग देखो ब्लू सर्कल के अंदर दिख जाएगी, येलो पतंग है उसकी थोड़ी अभी, वरना एकदम मेरे सर के ऊपर है और मेरे पीछे से उड़ा रहा है यार। तो देखते हैं क्या हो सकता है इस पेज में, हवा तेज है तो शायद पेज फंस जाए या फिर आर पार कर लग जाए, कुछ कह नहीं सकता मैं। तो यहाँ पे देखो ये बंदा आ गया, अब ऐसी पोजीशन बनी तो समझ जाना वो बाहर की खेची का, हमें क्या करना है नीचे का मारना गिरता हुआ और इस तरीके से इसकी पतंग काट देनी है। तो पहला पेज काट दिया काफ़ी इजी तरीके से, दूसरा उड़ाते हैं आपको दिखाते हैं फिर। अब भाई हवा तेज है और आपने ऊपर का पेज नहीं लड़ाया तो क्या लड़ाया मेरे भाई आपने, तो यहाँ पे देखो ऊपर का पेज में लड़ा रहा हूँ, रेड सर्कल की ना मेरी रही, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है स्काई ब्लू पतंग है उसकी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड लड़ा रहा है ये बंदा, देखते हैं। अब 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 अच्छा तो ये फंसाना चाह रहा है, चल भाई तू फंसाना चाह रहा तो हम भी फंसाएंगे, नीचे से ही आ जा तू, चले ऊपर से गया भर्रा फेंका और बस भर्रा फेंक के भाई मैंने पतंग उठाने के चक्कर जैसे दिए ना उसकी पतंग वहीं कट गई। ये देखो वो बंदा पहले से मुझे लग ही रहा था फंसाएगा, तो हमने ही भर्रा फेंक दिया ऊपर, तेज हमें भर्रा फेंकोगे तेज हमें भर्रा, बहुत मज़ा आता है फेंकने में, मज़ा आता है यार काट के पतंग। अब भाई दोनों की पतंग सेम है, मेरी नीचे वाली रही देखो रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है इस बार, ये देखो उसकी पतंग सेम ही है मेरी जैसी, बस मांग नहीं है इसके उसमें, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ यार हवा बैठ गई है थोड़ी, जो अभी दो पेज में हवा लगी थी ना मुझे वो अब नहीं लग रही है। आगे एक और बंदर उड़ा रहा है पतंग, तो पहले इससे निपटते हैं फिर आगे जाएंगे उसकी भी काटेंगे, दो पतंग फिलहाल अभी हमने काट रखी है। यहाँ के बच्चे भी यार बहुत तेज हैं यार, एकदम बना के पेड़ लड़ाते हैं, ये नहीं कि बच्चे हैं तो आप ऐसे समेट दो, ऐसे नहीं काट पाओगे उनकी पतंग। मार लो दोनों की गई, मैं स्ट्रेट खींच रहा था उसकी अंदर की आई हल्की सी और दोनों की पतंग यहाँ पे कट गई है, पेज बराबर हो गया, तो दूसरी उड़ाएंगे फिर लड़ाएंगे फिर से। पतंग कट के जा रही है वो देखो, वो गिरी पतंग दिखाते हैं आपको कहाँ गई कहाँ नहीं, देखा पतंग इधर गिरी है, देखते हैं कहाँ पे गिरी है। अबे भाई वो देखो वो गिरी है पतंग, सामने आप देखेंगे ना तो वहाँ पे देखो एक पतंग रही और यही कट के आई थी, अभी वहाँ पे गिर गई है। काफ़ी पतंगें लड़नी है इसमें कि अभी आपने, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा पतंगें हैं। अभी भाई भाई इधर भी है लेकिन यार ये तो पन्नी की है तो इसे निकालें क्या, पन्नी की चलो निकाल के रख लेते हैं यार, वैसे ही फंसी है एक पन्नी की, देखो यहाँ पर फंसी है, दो दो पतंगें हैं भाई, एक यहाँ पर और एक सामने वहाँ पर, तो सबसे पहले वो वाली निकाल के देखते हैं, वाली ट्राई करते हैं आती है नहीं आती है, और आती है फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। चलो फिर निकालते हैं दिखाते हैं, वो देखो वो रही पतंग निकालते हैं दिखाते हैं। तो यहाँ पे हथियार देखो हमने कितना कर्रा बनाया देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसे बनाया, ये चीज़ होती है ना इससे ना पतंग काफ़ी आसानी से फट जाती है। चलो फेंकते हैं फिर दिखाते हैं, मुश्किल है एक हाथ से फेंकना, ये देखो वहाँ गया, वो देखो सीधे पतंग के पास ही गिरा, अगर आप देखेंगे ना ये देखो, ये हमने फंसाई, आ जा भाई पतंग आ जा, एक बार मज़ा आ जाए, रुक जाओ ऐसे नहीं होगा यार, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में मोबाइल है, ऐसे दिक्कत दे रहा है ये, डोरा आ गया शायद पतंग का, मुझे ऐसा लग रहा है आ गया भाई फंस गया शायद अभी, हाँ देखो डोरा फंस गया, अगर आप देखेंगे तो डोरा फंस के आ चुका है, दिखाता हूँ आप यहाँ पे देखो डोरा आ गया हमारा फंस के, और यहाँ पे अगर आप देखो कितने करले तरीके से भाई फंसा है। जब भी आप यूज करो ना पतंग निकालने का, थोड़ा ऐसी चीज़ का यूज करना जिसमें थोड़ी ये डंडी हंडी हो किनारे से, और इसमें ना डोरा काफ़ी आसानी से फंस जाता है, जैसे हमारा फंसा है पतंग, अब हम निकालते हैं, आ जा अबे यार डंडे ना फंस जाए, डंडे में नहीं फंसनी है, आ गई भाई पतंग आ गई है, मुझे लगा डंडे फंस जाएगी लेकिन बच गई, हमारे किस्मत में थी पतंग तो आ गई है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये आ गई भाई पतंग पहली फाइनली आ गई यार, दिखाते हैं पतंग कैसी है कैसी नहीं है। ये कुछ पतंग थी, अगर आप इधर देखेंगे ना
भाई फट भी गई है पतंग, देखो किनारे से यहाँ से जब हम निकाल रहे थे तो पतंग फट गई थी, लेकिन फाइनली हम पतंग ले आए। इसको आप क्या कहेंगे, पट्टेदार में दिल वाली पतंग है यार। तो ये थी पतंग, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लंकड़ फेंका, लेकिन एट द एंड पतंग हमारे पास आ गई है। तो ये तो निकाल ली यार, अभी एक और पतंग फंसी है। अच्छी पतंग उड़ाएंगे, कौन सी है, पहले साइज़ देंगे पतंग का यार। आई थिंक पौनी पतंग है, हाँ पौनी पतंग है देखो। तो मजे आ गए, पतंग मिल गई है, एक और पतंग फंसी है। वाली निकालते हैं, अभी वाली दिखाते हैं निकाल के आपको, पन्नी की है, चलो निकालते हैं वो भी दिखाते हैं। चलो भाई, ये निकालने में कसम से बहुत डर लगता है कि मोबाइल अगर हाथ से गिरा ना तो पतंग का यार सत्यानाश है। देखो किस पतंग के लिए हम निकाल रहे हैं, आ जा। अरे एक तो ये आएगी नहीं अब घंटों में, और डर और लगता है इसे निकालने में। आ जा यार, फज्जा कुंडा पड़ जाए, कुंडा पड़ जाए, एक बार कुंडा ही नहीं पड़ रहा है। लो इधर से डाल के देखता हूँ, ऐसे पड़ जाए। अब पड़ गया, अब पड़ गया भाई, अब पड़ गया कुंडा, कुंडा पड़। अरे नहीं यार, नहीं पड़ा, एक बार कुंडा पड़ गया, बस अब पड़ जाएगा, अब पड़ गया, अब तो पड़ गया, अब तो पड़ गया। देखो ये आ गई है पतंग, ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ये पन्नी की पतंग थी, कट के आई थी ये भी पीछे से, ये वाली पतंग पकड़ ली है। इसके बारे में क्या बताऊँ यार, छोटी सी पतंग है लेकिन फाइनली आ गई है ये वाली पतंग। देखो कैसे फंसाई थी हमने, इस तरीके से आप फंसाओ काफ़ी आसानी से फंस जाएगा ये। वो दो पतंगें मिल गई हमें, एक पन्नी की मिली थी, एक पेपर वाली मिली थी। तो दोनों से बढ़िया कौन सी, यही वाली बढ़िया, मुझे ही पता है, यही आप कहोगे। चलो कोई नहीं, पतंगे तो मिली कम से कम। चलो फिर उड़ाते हैं, अब ये वाली उड़ा दें क्या? चलो ये भी उड़ाएंगे, अभी नहीं फिलहाल उड़ाएंगे ये भी, शायद कल परसों उड़ाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चलो फिर, तो यहाँ पे यार पतंग निकाल के मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छी सी पतंग थी, मुझे डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, काफ़ी दिनों से लड़ रही थी मेरी तरफ, लेकिन आज फाइनली कटी हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर ली, रेड सर्कल के अंदर मेरी रही, नीचे डाल रहा, और ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रहा, देखो ब्लू सर्कल के अंदर आपको उसकी पतंग दिख जाएगी। उसकी पतंग जो काफ़ी छोटी है, मैंने उससे लंबी निकाल रखी है, तो शायद मैं उसके कन्ने काट दूँ, शायद काफ़ी तेज़ से आया बाहर की खींच रहा था मैं, और देखो कन्ने काट दिए, कन्नों के पास से ही मैंने पतंग काटी है। ये देखो ये रही, तो पहली पतंग, सॉरी इस पतंग से पहली काटी है, और काटते दिखाते एक और पेज यहाँ पे लड़ता हुआ, जो पतंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये मेरी रही, नीचे चढ़ा रहा हूँ मैं रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, मुड्डेदार पतंग रही उसकी। अभी जो पतंग काटी थी ना वो इसी के साथ ही की थी, तो उसका साथ ही बदला लेने आ गया मुझसे अपने दोस्त का, पर आया रोकी बाहर की, मारा मारा मारा, अरे यार खिंचाई कम रह गई मेरी, उसने बहुत दूर से देखो खींचता हुआ ला रहा था, उसकी स्पीड बन गई थी और मैं स्पीड नहीं बना पाया पतंग खींचने में, और इसीलिए ये वाली पतंग काट दी उसने मेरी। अगर थोड़ी सी पावर लग जाती ना तो शायद मैं पेज काट देता। तो थोड़ी शाम हो गई है, मेरे सर के ऊपर एक और पेज लड़ रहा है, नीचे से देखो ब्लैक वाला रहा, ऊपर से मुड्डेदार वाला आ रखा है, और जो पतंग मेरे पीछे से उड़ रही है, तो ये वाला पेज देखते हैं कौन काटेगा। फिलहाल मुड्डेदार ने मेरी काफ़ी अच्छी पतंग काटी है, अभी आपने देखा होगा, देखते हैं ये वाला पेज। कुछ लोग होते हैं ना चढ़ाई करके लड़ाते हैं, तो इसी में का आए मुड्डेदार, काफ़ी चढ़ता है आपके ऊपर, आपका झोल पकड़ेगा और झोल के पास जाके एकदम बाहर का मुड्डा खींचता काफ़ी तेज़ी में, लेकिन नीचे वाला भी काफ़ी समझदार है, देखो ज़्यादा उठा के दे नहीं रहा उसे। दोबारा पेज फिरता हुआ, पर अबे वाह वाह वाह, अच्छा ही पेज काट दिया यार, एकदम स्ट्रेट खींच दी नीचे वाले ने, और मुड्डेदार ने स्ट्रेट डोर पे गद्दा मारा, तो क्या होगा पता ही है, कटनी है, स्ट्रेट डोर में गद्दा मारोगे तो कटेगी कटेगी आपकी पतंग। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और हाँ ग्राउंड काइट फाइटिंग, ग्राउंड काइट फाइटिंग भाई मुझे पता है कल उसी की वीडियो आने वाली ग्राउंड काइट फाइटिंग की, क्योंकि वो वीडियो मैंने आज ही शूट करके आया हूँ मैं सुबह, तो कल वीडियो आ जाएगी, टेंशन ना लो मेरे भाई, कल मिल जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में ग्राउंड काइट फाइटिंग की, तब तक के लिए बाय।